जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नईम वर्चुअल एकेडमी, मैथमेटिक्स 9th क्लास, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कंदासी अज का। यूनिट नंबर 2 जो नालो है जी लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के बारे में थोड़ो पहले इंट्रोडक्शन। तो लॉगरिथम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम मैथमेटिशियन मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़्मी। ठीक है जी, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़्मी इनके इंट्रोड्यूस करायो। ए उन वरी 17 सेंचुरी में जॉन नेपियर जो मैथमेटिशियन हुए उन इनके फर्दर इन जो कॉन्सेप्ट जो उनमें एडवांसमेंट आंदी। ठीक है जी, उन 1631 में हेनरी ब्रिक्स जो उन टेबल ठायो वेस्टेन वो जो लॉगरिथम है उनको टेबल। प्रोफेसर हेनरी ब्रिक्स इन 1631। अच्छा, लॉगरिथम के बारे में सीखे असल में तो लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल चई सकोता जे असाजे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस के आसान कयो, खास करे इक्वेशंस के सॉल्व करण में आसानी पैदा कई, स्पेशली एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा से, पर उनका आगे में लॉगरिथम में एक तमाम बेसिक शे पे सब का पे जो सीखा से वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन चाहे साइंटिफिक नोटेशन नंबर के लिखण जो एकड़ो वे है। अस खबर है तो अस आम सूरत में जैसे नंबर्स लिखा आयो, खास करे डेसिमल नंबर्स, उन्होंने के एक आम लिखण की सूरत है उनके अस ऑर्डनरी फॉर्म चई वठाऊँ, एक कॉमन फॉर्म है असाजी। उनमें अस ऐसा तो फॉर एग्जांपल जी अस को भी नंबर हो, लेट्स सपोज 432 या 43 पॉइंट, लेट्स सपोज ये नंबर है पे अस 43.587, बो नंबर इन जड़ो ही 435.8, अड़ी तरह से 3749.6 एक्सेट्रा इन टाइप नंबर अस मौजूद होजन। ये डेसिमल नंबर्स आज तुम तो या अड़ी तरह से अस नंबर हो, लेट्स सपोज 32,000, या नंबर हो 0.0479 वगैरह। अच्छा, हाँ ही तुसो था तो ये नंबर तकरीबन ऑलमोस्ट में घना इन डेसिमल नंबर लिखा नहीं, बट इन डेसिमल नंबर्स में तुसो था तो डेसिमल पॉइंट जो है उनकी पोजिशन डिफरेंट जगह पर है, मुख्तलिफ़ जगह पर नजर अचे तो डेसिमल असके। फॉर एग्जाम्पल इन नंबर में तुसो था तो डेसिमल इतने है, माना डेसिमल का लेफ्ट साइड से तक ब डिजिट्स नजर अचन था। नेक्स्ट नंबर में ऐसा था तो डेसिमल जी लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स नजर अचन था। अड़ी तरह से इन में ऐसा था तो डेसिमल का लेफ्ट साइड से 4 डिजिट्स नजर अचन था, माना मुख्तलिफ नंबर में डिजिट जो तादाद डेसिमल का अग में लेफ्ट साइड से मुख्तलिफ है। ठीक है, बट अस चाहूँ था तो अस इनकी एकड़ी ही सभी की फॉर्म ठाऊँ, उन फॉर्म के अस चाहे साइंटिफिक नोटेशन, यानी इन जो सभी जो नंबर जो लिखण जो स्टाइल जो कोशिश कंदे तो एक जड़ो अस रखूँ उन असके जी साइंटिफिक फॉर्म जो उनमें अस लिखा। अच्छा, फ़ायदो इन जो मुख्तलिफ़ फ़ायदा नहीं साइंटिफिक फॉर्म में लिखण जहाँ साइंटिफिक फॉर्म चो या साइंटिफिक भले नोटेशन चई वो। ठीक है जी, नोटेशन मीन्स फॉर्म होंद। अच्छा, मुख्तलिफ़ फ़ायदा एक तो अस जैसे लॉगरिथम पढ़ा तो लॉगरिथम में असके साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पवी, और बो फायद ये होंगे तो खास कर साइंस में नाले में ही जाहिर है ना, साइंटिफिक फॉर्म साइंस में यूज थन्दड़ है या फॉर्म उनमें साइंस में अस मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ होंद तमाम वरियो वरियो। ठीक है जी, जी फिजिक्स में अस चूँ था तो मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, या डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ है वगैरह, या वरी केमिस्ट्री में चूँ था तो डेसिमल जी फॉर्म में तमाम नंडियो नंडियो वैल्यूज़ जी
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह होंदा नहीं तो ये वैल्यूज असा जो पढ़ा से या उ लिखा से उ असा लिखी न सकता से असा जन वैल्यूज के तमाम वो वैल्यूज ही उनके साइंटिफिक नोटेशन में असा सुठे नमूने से उनके आसानी से लिखी भी सकूँ था ऑपरेशन भी असा परफॉर्म कर सकूँ था। अच्छा हाँ फॉर एग्जाम्पल पहले तो यो समझो साइंटिफिक नोटेशन में जैसे कें भी नंबर के लिखण तो उनमें असा करण तो उनको कोशिश करनी है बल्कि लाजमी है या शायद डेसिमल का लेफ्ट साइड से देयर मस्ट बी ओनली सिंगल डिजिट डेसिमल का लेफ्ट साइड से फकत एकड़ो डिजिट हुए वो डिजिट नॉन जीरो नॉन जीरो जो मतलब है तो वन हो टू हो थ्री हो अप टू नाइन ताई केड़ो भी डिजिट अची वे डेसिमल जी लेफ्ट साइड से एकड़ो डिजिट हुए जी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में तुम ऐसो था इतने डेसिमल जी लेफ्ट साइड से ब डिजिट्स थी असा कसा इन डेसिमल के मूव कहीं साइड से ये फोर पॉइंट ठीक है जी नंबर यो ही रहो ही ना तो नंबर ही चेंज थी या नंबर की वैल्यू चेंज थी नो इट रिमेन सेम नंबर यो थी फोर पॉइंट थ्री फाइव एट सैवन बट हाँ यो उन बराबर न रहो बराबर कर इंटू टेन पावर वन दींदा वन छो छो तो अस डेसिमल एकड़ो डिजिट मूव किया डेसिमल ब डिजिट मूव थी तो पावर टेन के मथा टू दींदे डेसिमल टे डिजिट मूव थी तो अड़ी तरह से पावर मथो टेन के मथा थ्री दींदा फॉर एग्जाम्पल सैकेंड एग्जाम्पल में तुम ऐसा डेसिमल हाँ इतों शिफ्ट कर इतने छो था वी अचों छो तो असा तो डेसिमल का लेफ्ट साइड से असा वट जी जी एकड़ो डिजिट हुए ब या टे डिजिट्स न होजन वो डेसिमल इतों हाँ इन एग्जाम्पल में इतने शिफ्ट करा ये फोर पॉइंट थ्री फाइव एट इंटू टेन पावर जी प्लस टू टू दींदे पावर मत छो छो तो ब डिजिट मूव क्या नहीं अड़ी तरह से सो आन ये बाकी एग्जाम्पल्स तुम पा भी सॉल्व कर सोता या इनके दिसो जी फॉर एग्जाम्पल इनमें थ्री डिजिट मूव क्यों था हाँ इनके लिखा से जी छा लिखा से थ्री पॉइंट सैवन फोर नाइन इंटू टेन पावर जी इंटू टेन पावर वन टू थ्री थ्री दींदे मत। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऐसो नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल में तो डेसिमल ही ना है बट असें खबर है जैसे कें नंबर में डेसिमल न हों तो डेसिमल उनके लास्ट में हों जैसे जाहिर करने की जरूरत न होंगी हाँ ही डेसिमल भी सागी तरह से शिफ्ट कर काथे शिफ्ट करना से जी शुरुआत में जाते उनके सिंगल डिजिट माना एकड़ो डिजिट जी लेफ्ट साइड से छे कर थ्री पॉइंट टू। अच्छा इतने ही याद रख तो डेसिमल का लास्ट में जो जीरोज नहीं उनके जाहिर करने की जरूरत आम सूरत में भी न होंगी है बट साइंटिफिक नोटेशन में तो खास कर जीरोज नहीं ये जाहिर न कहे काउंट जरूर कहे वन टू थ्री फोर यानी टेन के मथा पावर जो दींदे वह फोर दींदे। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल जी ये समझणो है इनमें डेसिमल का अगे में एकड़ो डिजिट आ बट वो डिजिट जीरो जीरो न हो नॉन जीरो डिजिट हो तो पो हाने डेसिमल लेफ्ट राइट का लेफ्ट साइड से न बल्कि हाने उबतो इनके वापस इन साइड से वीदे लेफ्ट का राइट साइड से मूव कहे जाते उनके नॉन जीरो डिजिट मिल उत उनके प्लेस कहे यानी ये फोर पॉइंट सैवन नाइन बट हाँ छाण तो डेसिमल जी जी मूवमेंट थी शिफ्टिंग थी रिवर्स में थी लेफ्ट का राइट साइड से थी हाँ टेन के मथा जो पावर दींदे वो असा पावर माइनस में देनी पवी नेगेटिव पावर जी टेन से पावर अची वी माइनस वन माइनस टू ठीक है ब डिजिट छया नहीं इनकर टेन से पावर अची वही माइनस टू उन जी लास्ट एग्जाम्पल असान सामू ये भी सेम सिचुएशन डेसिमल इतने शिफ्ट कराईदे हाँ डेसिमल जैसे इतने मूव किया हाँ नंबर में चेंजिंग अची वी थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर जी छा लिखा से वन टू थ्री फोर फाइव डिजिट्स छे आया इनकर टेन से पावर अची वी माइनस फाइव ये तमाम सिंपल है कड़ी दुखी गाल ना है अस ऑर्डनरी फॉर्म के चेंज किया में साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा ये क्वेश्चन उबतो रिवर्स में भी कर सोता माना जैसे लेट्स सपोज अस को भी नंबर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखल हो
हलो हीअ हेठां ॿ एग्ज़ाम्पल मां तव्हांखे करे ॾेखारियां थो। जेकॾहिं साइंटिफिक नोटेशन में असां वटि को नंबर लिखियलु हुजे, फॉर एग्ज़ाम्पल जी लिखियलु आहे 4.58 × 10^1 हाणे हिनखे जेकॾहिं असां वापसि एक्चुअल ऑर्डनरी फॉर्म में चेंज करणु चाहियूं त हाणे हिनजो मतिलबु आहे त डेसिमल तव्हां ॾिसो त 10^1 आहे, इट मीन्स त डेसिमल वन डिजिट शिफ्ट थी करे राइट खां लेफ्ट साइड ते आयो आहे। त असां हाणे हिनखे वापसि रिवर्स में शिफ्ट कयूं था, माना डेसिमल वापसि हलियो वेंदो पंहिंजी पोज़ीशन ते जिते हुयो, त हीअ थींदो 45.8। हा बट जेकॾहिं हिते ॾिसो हिते हुजे आहे 4.58 × 10^3 दैट सपोज 3 या पावर 4 हुजे आहे। हाणे ॾिसो पावर 4 आहे, पावर 4 आहे त पोइ डेसिमल खे त 4 डिजिट मूव करिणो पवंदो, बट 4 त डिजिट्स कोन आहिनि। पोइ हिते राइट साइड ते असां ॾिसूं था जस्ट 2 डिजिट्स आहिनि, हाणे उहो 2 डिजिट्स लिखंदो ऐं बाक़ी जे एतिरा डिजिट्स घटि आहिनि ओतिरा हुते 0 ॾेई करे नंबर ऑफ डिजिट्स खे पूरो कंदो। क्लियर? ठीकु आहे। हा अहिड़ी तरह सां जेकॾहिं माइनस में हुजे, आख़िरी हिकिड़ी एग्ज़ाम्पल ॾिसूं 1.4 × 10^3 लेट सपोज़ हीअ आहे -3। हीअ हाणे छा थींदो? हाणे डेसिमल छो त पावर माइनस में आहे, वापसि मोटाइणो आहे असांखे हिन डायरेक्शन में वापसि वेंदो। घणा डिजिट्स? 3, पर 3 त डिजिट कोन आहिनि, हिते हिकिड़ो डिजिट आहे 1, बाक़ी 2 जेके नी उहे हिते बि पूरो करण लाइ 0 ॾेई पोइ डेसिमल ॾींदासीं। ठीकु आहे, ऐं डेसिमल खां अॻु में कुझु न हुजे त हू तव्हां 0 लिखी सघो था। त जीअं ऑर्डनरी फॉर्म खे साइंटिफिक में चेंज कयूं पिया, साॻी तरह सां असां चाहियूं त साइंटिफिक फॉर्म खे वरी वापसि ऑर्डनरी फॉर्म में कन्वर्ट करे सघूं था। तमामु सिंपल ॻाल्हि। अच्छा स्टूडेंट्स, छाकाणि त चैप्टर जो नालो असां ॾिसूं था लॉगरिथम आहे, त थोरियूं ॻाल्हियूं लॉगरिथम जे बारे में। लॉगरिथम हूअं त असां फाइंड करणु अञा न सिखंदासीं, फ़िलहालु असां इहो सिखणु चाहियूं था त जॾहिं असां लॉगरिथम पढ़ंदासीं त असां वटि लॉगरिथम जा कुझु लॉज बि हूंदा आहिनि ऐं उन खां अलावा इक्वेशन जी फॉर्म आहे उनखे चइबो आहे लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीकु आहे जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ी असां ॾिसंदा आहियूं त असां वटि आम हालत में इक्वेशन हूंदी आहे, उनखे चइबो आहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ॿी वरी फॉर्म पढ़ंदासीं उनखे चइबो आहे लॉगरिथमिक फॉर्म। हलो थोरो हिन जो इंट्रोडक्शन कयूं त बाक़ी हिनखे तफ़सील सां असां इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में ॾिसंदासीं। थोरो आइडिया जो वठी छॾियूं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म चइबो आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं लिखियलु हुजे जी 3^4 इज़ इक्वल टू जी छाजे बराबरि हूंदो आहे 3^4 81 जी, त हिनखे चइबो त इहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आहे। बट इन इक्वेशन खे, सेम इक्वेशन खे असां चाहियूं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखण, त इहो लॉगरिथमिक फॉर्म जेको आहे इहो वे आहे, हिकिड़ो लिखण जो तरीक़ो आहे कंहिं बि एक्सपोनेंशियल फॉर्म खे असां कन्वर्ट करे सघूं था लॉगरिथमिक फॉर्म में। बट उनखे लिखिबो कीअं आहे उनखे थोरो सम्झणो पवंदो तव्हांखे। त सभु खां पहिरियों LOG लॉग लिखंदव, पोइ हिन लॉग जे हेठां जिते इहो जी एंड थिए थो हिते ई बेस लिखणी आहे, जीअं त हिते बेस 3^4 लिखियलु आहे, इहो सेम 3 हिते लॉगरिथम जी बेस थी वेंदी। हर लॉगरिथम जी जुदा जुदा बेस थी सघे थी। ठीकु आहे जी। हिते हिन लॉगरिथम जी बेस छा लिखी आहे 3, ऐं हुन साइड वारो नंबर जेको हूंदो उहो हिते लिखिणो आहे, ऐं मथे जेके पावर वारी वैल्यू हूंदी उहा इक्वल जे ॿी साइड ते हली वेंदी। हिनखे चइबो आहे त जेका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इन टू लॉगरिथमिक फॉर्म। हलो हिनखे डिटेल सां असां ॾिसंदासीं इनशाला नेक्स्ट लेक्चर्स में। हिकिड़ी ॿी एग्ज़ाम्पल जी मां लिखी छॾियां, लेट सपोज़ 4² इज़ इक्वल टू 16 हूंदो आहे। हाणे हिनखे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करिणो आहे त लिखंदासीं लॉग विथ बेस 4, जी लॉग छाजो लिखंदासीं 16 जो, ऐं इज़ इक्वल टू छा चवंदासीं 2।
अच्छा इतने तक जस्ट फॉर आइडियाज है ये बुधा चलें तो अस आम यूज में जो लॉग्रिथम्स आन वे बिन किस्म जहाँ लॉग्रिथम कॉमन लॉग्रिथम है बो अस लॉग्रिथम यूज में है दैट इज नेचुरल लॉग्रिथम। इन बिन्न लॉग्रिथम्स में जो फर्क है वो इन बिन्न की बेस जो फर्क है। एक्चुअली कॉमन लॉग्रिथम जो होंगे इन जी बेस 10 है ए नेचुरल लॉग्रिथम जो होंगे जी इन जी बेस है एक खास स्पेशल इरेशनल नंबर है दैट इज ई एक्सपोनेंशियल नंबर भी इनके चाहबो है एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट भी चाहबो है यूलर्स कॉन्स्टेंट भी चाहबो है छो तो यो इनफैक्ट मैथमेटिशियन यूलर जी नाले से रखल है इन जी वैल्यू है 2.71828 अगते हल्दी वे थी छो तो इरेशनल नंबर खबर है तक इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होंगे। अच्छा जैसे कॉमन लॉग्रिथम हो जाए तो उनके हेठों बेस माना उनकी बेस 10 होंगी वो भले बेस न भी लिखा एल ओ जी छोड़ो लिखा दैट मीन्स फर्स के एक्स जो लॉग हाँ इतने 10 लिखा तो भी ठीक है ना लिखो तो भी या अंडरस्टूड कॉमन होंगी है ठीक है नी कॉमन सेंस है तो लॉग्रिथम में जैसे एल ओ जी लिखल है इट मीन्स द दिस इज कॉमन लॉग्रिथम हैविंग बेस 10। नेचुरल लॉग्रिथम हो जैसी बेस ई होंगी वो उनके जाहिर करण लाए ठीक है जी सिंपली हिं लिखूँ तो भी ठीक है या उनके एल एन से जाहिर कबो एल एन जैसे लिखना तो उनके समझी इंदे तो यो नेचुरल लॉग्रिथम है विथ बेस ई माना इन बिन्न लॉग्रिथम्स में जो मेन डिफरेंस है वो है बेस जो ठीक है जी इतने तक मथे भी ऐसो पाया तो लॉग्रिथम जैसे अस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के चेंज क्यों तो लॉग्रिथमिक फॉर्म में उनकी बेस कड़ी भी थी सके थी 3 है 4 है 5 है माइनस में रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर में वगैरह वगैरह कड़ी भी बेस उनकी पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह इनके अगते बधाईंदे नेक्स्ट लेक्चर में ओके।